अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा और बहुत सी अच्छी वीडियो है मेरे चैनल का, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। इसमें ट्रांसिस्टर, मॉसफेट और डायोड वगैरह और भी बहुत कुछ है इस सॉफ्टवेयर में। आगे मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये कोई भी ट्रांसिस्टर आप इससे चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर का आइकॉन मैंने आपको दिखा दिया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें, इसमें बहुत से है ऑप्शन है हमारे पास। ये सादा सा इंटरफेस इसका बना हुआ है। तो इसमें ये देखें, ये ट्रांसिस्टर है, मॉसफेट है, ये IGBT ट्रांसिस्टर हैं, डायोड हैं, ब्रिज रेक्टिफायर हैं, TVS डायोड हैं, जेनर डायोड हैं और LD इसके, ये ट्राइक हैं और ये SCR हैं ट्राइक। तो हम ये देख लेते हैं पहले ट्रांसिस्टर में। तो इसको मैंने ओपन किया तो ये देखें, पहले तो इसकी सारी लिस्ट आ गई है, जितने भी ये NP इसके आगे लिखा हुआ है NPN, और जो PNP हैं उनके आगे PNP लिखा हुआ है। ये देखें 3906 वाला और ये बाकी ये 3440 NPN। ये इस लाइन में इसके आ रहे हैं वोल्ट, ये कितने वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है, ये कितने कितने वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, और ये इसके एम्पेयर हैं इस लाइन में। ये देखें नीचे, ये देखें पेज है, 137 पेज हैं। ये एरो है, इसको आप आगे करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, इस तरह दूसरा तीसरा। तो दूसरा अगर आपके पास कोई भी ट्रांसिस्टर है आपने उसको सर्च करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 547, इधर हम लिख लेते हैं 547 एक ट्रांसिस्टर है। तो ये देखें BC547 और BC547B है, एक C है, दोनों NPN ट्रांसिस्टर हैं। इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये ट्रांसिस्टर है तो इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो ये अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको आप इसकी जगह और भी ट्रांसिस्टर लगा सकते हैं। ये इसके वोल्ट हैं, ये इतने वोल्ट तक ऑपरेट होता है, और ये इसके एम्पेयर है, ये 0.1 mA तक इसका जो है ये लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये जो है ये 7 एम्पेयर तक, ये 4 एम्पेयर तक और 25 वोल्ट, ये 50-50 वोल्ट हैं इनके। बाकी आगे इनके कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी हर चीज़ लिखी हुई है। अब हम कर लेते हैं 139, ये देखें BD139 NPN ट्रांसिस्टर है। तो ये सारे देखें इसके आगे आ गया, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो अब हम बैक चलते हैं और मॉसफेट, ये देखिए मॉसफेट भी आप कोई भी इधर नंबर लिख कर सर्च कर सकते हैं, और इसके भी 109 पेज हैं। इसमें हर किस्म के सारे एन चैनल जो भी हैं, सारे पी चैनल, एन चैनल, तो ये सारे ट्रांसिस्टर इसमें मॉसफेट हैं। तो ये देखें, आप दूसरे को खोल लेते हैं। ये देखें इसमें भी इसके ये वोल्ट लिखे हुए हैं, ये इसके एम्पेयर लिखे हुए हैं। ये हम अभी इसको चेक कर लेते हैं, इसमें बाकी चीज़ें आपको देख लें, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं और कुछ चीज़ें आपको चेक करा देता हूँ, जैनर डायोड चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी ऊपर नंबर लिखा होता है, इसके बहुत से दोस्त होते हैं उनके ऊपर नंबर लिखा होता है, उनको इनके वोल्ट का और एम्पेयर का नहीं, इसके वाट होते हैं, इसके वाट वगैरह का नहीं पता होता। तो ये देखें दोस्तों, ये 2.4 वोल्ट से आ गया कि जिस तरह शुरू हो रहा है, इसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं। ये देखें, ये 3 वोल्ट 3.9 वोल्ट, ये आखिर में इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। देखें 4 वोल्ट, ये एंड में दो जो है ना इसके, ये वैल्यू है 4 वोल्ट
और 7 पॉइंट है, 4.7, ये देखें इस तरह, ये 5.1, ये भी इस तरह भी आप कोई भी जहन डायोड उसकी आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये देखें तो ये ब्रिज रेक्टिफायर ही हैं दोस्तों, ये देखें ये भी सारे हैं, इनके आगे जो भी इनका नंबर वगैरह लिखा हुआ है। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और इस जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का जो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके आप इसको लिंक पे क्लिक करें और प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लें, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आखिर में जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।